Chodun escape, the drums of liberation, for the first time in 800 years. I can hear it. He is here. Who is here? Jo sabse best hai. His name is Erwin Lubbock. Konnichiwa. Yo, animal lovers. If not best, one of the best chapter of One Piece है ये chapter 1043. वानो का best chapter is out and जिस चीज़ के लिए chapter 1041 और 1042 hype बना रहे थे वो चीज़ finally हुआ. And भाई ये chapter वो एक chapter है जहाँ से वानो वॉर finally one of the best war बनने वाला है पूरे anime history का. ये chapter इतना बढ़िया है कि मैंने इसके spoilers बहुत कोशिश किया avoid करने का, वो अलग बातें मैं नहीं कर पाया. बट हाँ, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल के बोला था कि स्पॉयलर्स देने वालों शांत हो जाओ, क्योंकि मैं चाहता था कि इस चैप्टर को लोग डायरेक्टली जाके पढ़े, ना कि मेरे जैसे स्पॉयल हो के. और ये चीज़ मैंने आज तक कभी भी किसी चैप्टर के लिए नहीं बोला है, तो तुम समझ ही सकते हो कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा स्पेशल था. ये लो, देख लो इंट्रो, फिर बात करते हैं इस सेक्सी चैप्टर के बारे में. लेट्स बिगिन. अब मैं यूजुअली जो चैप्टर के ऊपर वीडियोस बनाता है ना, उसमें ओवरऑल हर चीज़ के बारे में बात करता है, राइट, मोर लाइक अपना ओपिनियन देता है. लेकिन इस वाले वीडियो में मैं ओवरऑल के बारे में बात बिल्कुल नहीं करने वाला है. मैं ना ही CP0 के लीडर के फटे भुंद के बारे में बात करने वाला है, ना ही मैं यामाटो मोमो का लेट्स डाई टुगेदर के बारे में बात करने वाला है, ना ही मैं काइडो के वानो को बर्बाद कर दूंगा जो उसने पूरा बोला उसके बारे में बात करने वाला है. वो सब चीज़ें साइड की हैं. जो मेन हुआ है इस चैप्टर में, जिसके बारे में तुम सुनना चाहते हो, उसी के बारे में मैं बात करने वाला है. अब सम ऑफ यू माइट से कि भाई चैप्टर बहुत मस्त था, एकदम मस्त था, लेकिन तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा, बेस्ट चैप्टर इसको बोलना इज टू मच. अरे मुन्ना, मैं कैसे इसको बेस्ट चैप्टर ना बोलूँ. इस चैप्टर में वानो का अभी तक का वानो वॉर का बेस्ट फाइट कंक्लूड हुआ है, प्लस वानो वॉर के अपकमिंग बेस्ट फाइट का हिंट दिया है. एंड सबके सब, तुम, मैं और सबके सब पिछले 400-500 एपिसोड्स और चैप्टर से जानना चाह रहे थे कि जॉय बॉय कौन है, क्या है, वो क्या किया था. एंड ये सब चीज़ों का आंसर सबको फाइनली मिलने वाला है. एंड दिस चैप्टर, चैप्टर 1043 से ही इस चीज़ का शुरुआत हो रहा है. तो यूजिंग दी बेस्ट वर्ड फॉर दिस चैप्टर इज 100% वैलिड एंड रीजनेबल. सबसे पहले बात करते हैं लूफी वर्सेस काइडो के फाइट के बारे में. लास्ट चैप्टर में ओडन हरकत हुआ था लूफी के साथ, एंड आई एम सो हैप्पी कि दिस फाइट एंडेड विद काइडो एज विनर. क्योंकि लूफी अगर इस अटैक को खा के भी उठ जाता तो हद लेवल प्लॉट आर्मर हो जाता, जो कि वन पीस के सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है. काइडो लूफी को हराया, नरेटर भाई साहब ने भी काइडो को विनर घोषित कर दिया, एंड दिस वे वानो वॉर का बेस्ट फाइट फाइनली एंड हुआ. एंड दी वे लूफी एकदम बेहोश होकर फूगे की तरह फुस होकर वापस जमीन में गिरा, रूफ टॉप में गिरा, बढ़िया लगा मुझे. प्लस लूफी को देख के ऐसा लगा कि लूफी एक्चुअली में मर गया है, फॉर विच आई हैव टू अप्रिशिएट ओडा एंड हिज टीम. उन्होंने इतना बढ़िया वे में ये पूरा सिनेरियो ड्रॉ किया कि इवन दो वी नो कि लूफी नहीं मरेगा, फिर भी ये वाले सीन के चक्कर में फॉर अ सेकेंड आई थॉट कि लूफी इज एक्चुअली डेड. तो आई हैव टू अप्रिशिएट ओडा एंड हिज टीम. एंड इस बार लूफी सेकेंड बार हारा है ओनिगाशिमा में काइडो से, और लूफी के इस बार भी हारने की वजह से पिछले बार जैसे ही सबका होप टूटा है. ब्र, मैंने नामी को कभी एक योंको को कस करते हुए इमेजिन नहीं किया था, कंसिडरिंग कि नामी बहुत बड़ी फटवी है. बट द वे लूफी इज डिफीट अफेक्टेड एवरीवन, अमेजिंग. एंड लूफी का डिफीट से ऑब्वियसली सबको पता चल गया कि वो ये वॉर हार गए हैं, एक्सेप्ट वन, जुनेशा दी हथनी. अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताना कमेंट्स में, कितने लोगों को ये पर्टिकुलर लाइन दी ड्रम्स ऑफ लिबरेशन, ये लाइन और आई शुड से फ्रेस, ये रीड करके कितनों को गूज़बम्स आया. मैं अपना बताऊं, मैं जब ये लाइन स्पॉयलर्स में पढ़ा था ना, चैप्टर में भी नहीं, स्पॉयलर्स में पढ़ा था ना, मुझे इतना ज़्यादा गूज़बम्प्स आया कि मैं तभी डिसाइड कर लिया था कि इस चैप्टर पे जो वीडियो बनाएगा ना मैं, उसका टाइटल यही यूज़ करने वाला है मैं, ड्रम्स ऑफ लिबरेशन. शीश भाई, मस्त, मतलब मस्त लगा मेरे को ये चीज़. इतना ज़्यादा बढ़िया वर्ड्स यूज़ किया ना जुनेशा ने कि ही इज़ हियर, हु इज़ हियर, जॉय बॉय इज़ हियर. एंड इन द लास्ट पैनल वी कैन सी लूफी, जो कि मर गया है ऐसे हालत में, रूफटॉप में पड़ा हुआ था, स्माइल करता है, एंड इट इज़ कन्फर्म्ड कि लूफी ही जॉय बॉय है. मैन, सो मच एक्साइटेड टू सी दिस
जॉय बॉय। वैसे जुनेशा ने जो बोला मोमो को उससे मेरे दिमाग में बहुत से सवाल आए हैं और बहुत सारी चीज़ें ना हमको एज अ फैक्ट भी इन दो तीन लाइन से पता चल गया है। पहली बात जो अपने को पता चला है वो ये है कि जुनेशा के अकॉर्डिंग 800 साल के बाद अब जाके जॉय बॉय आया है। 800 साल में एक बार भी जॉय बॉय नहीं आया। एंड जुनेशा के अकॉर्डिंग उसको ये पता चला आफ्टर हियरिंग ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। लिबरेशन मतलब अगर तुमको नहीं पता तो मैं तुमको बता दूं कि लिबरेशन वर्ड बना है लिबर्टी वर्ड से, जिसका मतलब होता है फ्रीडम, पॉलिटिकल साइंस टर्म है, ठीक है। तो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन से अपने को ये पता चल गया एज अ फैक्ट कि जॉय बॉय इज समवॉट रिलेटेड टू फ्रीडम। अभी तक इट वॉज एन अजम्पशन कि वानों को फ्री करने वाला जॉय बॉय ही होगा, बट अब दिस इज अ क्रिस्टल क्लियर फैक्ट। बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी मेरे दिमाग में आया रिगार्डिंग जुनेशा स्टेटमेंट। पहला कि जुनेशा तो पहले भी लूफी से कॉन्टैक्ट बना ली थी ना जोआर्क में, तो फिर उस टाइम जुनेशा क्यों उसको जॉय बॉय नहीं मानी या फिर उसको क्यों जॉय बॉय नहीं बोली? जुनेशा को अब जाके जॉय बॉय आया है ऐसा फील हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ ये? और ये जो जॉय बॉय आया है ये चीज़ जुनेशा ने लूफी के हारने के बाद ही क्यों बोला है? अभी तक तो लूफी लड़ रहा था राइट, तब क्यों ऐसा स्टेटमेंट सुनने नहीं मिला अपने को? कि इसका मतलब ये है कि अब तक लूफी जॉय बॉय था ही नहीं और अब काइडो से कुत्ते की तरह हारने के बाद लूफी फाइनली जॉय बॉय है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इजंट इट। एंड लास्ट पैनल में लूफी पिघलते हुए दिखा है। अब आई एम डैम श्योर कि 100 में से 70 लोग इसको अवेकनिंग बोलने वाले हैं, क्योंकि लूफी जिस वे में पिघल रहा है अवेकनिंग जैसा लग तो रहा है, लेकिन आई रियली डोंट थिंक ये अवेकनिंग है। और मेरे ऐसा बोलने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। अच्छा, अपन ने आज तक कितने अवेकनिंग देखी है बताना ज़रा। एक्सक्लूडिंग इम्पेल टाउन के जानवर हमने 4 फ्रूट्स की कन्फर्म्ड अवेकनिंग देखी आज तक। ये 4 फ्रूट्स हैं डॉफी का इतो इतो नोमी, किड का जिकी जिकी नोमी, लॉक का ओपे ओपे नोमी और कैटेगरी का मोची मोची नोमी। सब ने अवेकनिंग यूज़ किया राइट, लेकिन किसी ने भी हारने के बाद अवेकनिंग नहीं किया। ये 4 कैरेक्टर्स ने मिडिल ऑफ द फाइट में अवेकनिंग यूज़ किया है, बट लूफी काइडो से हार चुका है एक्चुअली में। अगर ऐसा सीन रहता ना कि लूफी अभी तक हारा नहीं है और वो बस वहाँ पे कुछ टाइम के लिए बेहोश पड़ा है, तो शायद मैं इसको अवेकनिंग कंसिडर करता थोड़े टाइम के लिए। लेकिन ओडा ने लिटरली अनाउंस कर दिया कि लूफी को काइडो ने हरा दिया है। और वैसे भी लूफी का फ्रूट काटाकुरी और डोफ्लेमिंगो जैसा है, उसका फ्रूट का अगर अपने को कभी अवेकनिंग दिखेगा तो उसमें लूफी के आजू बाजू की चीज़ें रबर में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। बट इस पैनल में तो लूफी खुद ही पिघले जा रहा है, ये कैसा अवेकनिंग हुआ भाई? एंड प्लीज़ ये मत बोलना कि लूफी का फ्रूट लेजेंडरी फ्रूट है और वो गोमू गोमू नोमी नहीं है, ये सब सिर्फ अजम्पशन ही है, ठीक है। ये गोमू गोमू जो है इसका रियल लिम गोमू गोमू नहीं है वाला चीज़, वो भी एकदम वीक अजम्पशन। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि लूफी का डेविल फ्रूट ही लेजेंडरी फ्रूट है, भाई तुमको सही में लगता है कि ओडा इतना प्रिडिक्टेबल है? मतलब जितना हिंट्स दिया है ना ओडा ने ये चीज़ के लिए, मेरे को तो लगता है ओडा जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि सब लोग लूफी के फ्रूट को ही लेजेंडरी फ्रूट माने और ओडा साइड से सरप्राइज में सारे थ्योरी की मार ले आराम से। ऐसे तो यामाटो का व्हाइट टाइगर फ्रूट होगा बोल रहे थे ना सब, हुआ क्या? प्लस लूफी अपने अटैक्स भी गोमू गोमू नो करके करता है यार, अब अचानक से पता चले कि उसके फ्रूट का नाम ही गोमू गोमू नो नहीं है, साउंड्स अ बिट टू मच, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। वैसे अपन कहाँ थे? हाँ, अवेकनिंग में। तो सीधा सीधा मैं ये बोल दे रहा कि मुझे नहीं लगता कि ये अवेकनिंग है, लेकिन अगर अवेकनिंग नहीं है तो क्या है ये? मेरे को नहीं पता। और एक और गौर करने वाली बात है कि लूफी को हमने ऐसे पिघलते हुए कभी नहीं देखा है, तो लूफी के लिए भी ऐसे पिघलना नया चीज़ है, ठीक है। बट फिर भी लूफी स्माइल क्यों कर रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि अब जो काइडो से लड़ेगा वो लूफी नहीं बल्कि जॉय बॉय होगा? क्या इसका मतलब ये है कि लूफी शायद से एक वेसल है जॉय बॉय का? मुझे नहीं पता, बट मैन ये चीज़ से इतने सारे थ्योरीज पैदा होने वाले हैं ना, मतलब भाई नेक्स्ट वीक ब्रेक है वैसे भी, तो आई एम श्योर अगले चैप्टर के आने से पहले का ये जो 2 हफ्ते का टाइम है ना, इसमें बहुत थ्योरीज बनने वाली है, कुछ अच्छी तो कुछ सुनेशा का कान बड़ा है करके वो वानो आ गई जैसी थ्योरीज होने वाली है। और हाँ, मेरी थ्योरी भी आएगी जल्दी, ठीक है, इस टॉपिक पे नहीं, वो जो मैं पहले बोला था वो वाली। एक्चुअली अभी मेरे एग्जाम्स चल रहा तो समझ जाओ ना, वरना कुछ दिन पहले ही मैं डाल देता थ्योरी वीडियो। एंड आई गेस दैट्स इट, मुझे इतना ही बात करना था इस चैप्टर के बारे में। मुझे लगता है कि अगले चैप्टर में इसी से रिलेटेड कुछ पता चलेगा, क्योंकि इसके अलावा वानों में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। मोमो, जुनेशा, लूफी, जॉय बॉय, बस यही तो है जो कि अभी के टाइम पे सेंटर ऑफ अटेंशन है वॉर का। हाँ हाँ, मेरे को याद आया, जोरो का वो ग्रिम रीपर, उससे रिलेटेड कुछ पता चल सकता है। हाँ, वो मैं भूल ही गया था एक्चुअली, बट हाँ उससे रिलेटेड कुछ पता चलता है तो अच्छी बात है। आई गेस अगर जॉय बॉय के कुछ फीट्स या फिर काइडो के साथ अगर उसका फाइट करा दिया नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब चालू ही करा दिया नेक्स्ट चैप्टर में, तो भाई इस चैप्टर के बदले वो चैप्टर बन जाएगा बेस्ट वानों का चैप्टर।
आई एम वेरी हाइप्ड फॉर दी अपकमिंग चैप्टर्स. अगर तुम थोड़ा ध्यान से सोचो तो तुमको रियलाइज होगा कि ये चैप्टर भी 1041 और 1042 की तरह ही आगे के चैप्टर्स के हाइप बनाने वाला चैप्टर था. बट हाइप बनाने के लिए इसने जो यूज़ किया है ना, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉय बॉय, वो इस चैप्टर को एक नॉर्मल हाइप क्रिएट करने वाले चैप्टर से वे बेटर चैप्टर बना देता है. इतना कि इसको तुम बेस्ट भी बोल सकते हो. एंड लूफी काइडो का फाइट का कंक्लूजन तो चेरी इन द केक था इस चैप्टर में. वेल गाइस, दिस इज ऑल आई हैव टू से. वैसे कमेंट्स में बताना तुमको इस चैप्टर का सबसे बेस्ट पैनल कौन सा लगा. और कोई लास्ट पैनल मत बोलना, ठीक है? उसके अलावा मुझे पता है वो सबको पसंद आया, आई नो दैट, ठीक है? मुझे सबसे बेस्ट लगा वो पैनल जिसमें मार्को नामी को काइडो के बोरोब्रेथ से बचाया. वो पैनल इतना मस्त वे में ड्रॉन है, मतलब मार्को अपने फ्लेम्स को मस्त गोल सा बना के रोका काइडो के बोरोब्रेथ को. मस्त लगा वो चीज़ मेरे को. एंड हाँ, स्पॉन्सर टाइम. मानवास मांगास रीड करने का अगर तुमको शौक है तो तुम बिली बिली कॉमिक्स चेक कर सकते हो, जिसमें बहुत से कॉमिक्स और मानहुआस है चाइनीज़ वाले, जिनका आर्ट बहुत मस्त है. और ये वेबसाइट एकदम फ्री वेबसाइट है और इसमें एड्स भी बिल्कुल नहीं आते. प्लस इसमें जितने भी मानहुआस है वो सब डेली बेसिस में अपडेट होता है. डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डू चेक इट आउट. वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्लिप मैंने यूज़ किया था वो कैसा लगा बता सकते हो कमेंट्स में. और मैं ये चीज़ ना जन्मों समय के बाद बोलने वाला है, ठीक है, कि अगर ये वीडियो तुमको पसंद आया तो लाइक करो वीडियो को एंड सब्सक्राइब माय चैनल. वैसे भी अभी मस्त वाला एक थ्योरी आने वाला है, ठीक है, तो उसको देखना है तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना. बाय द वे, मैं बार बार नहीं बोलने वाला, ठीक है, ये साल में एक बार बोलने वाला चीज़ है, ठीक है, मेरे लिए अभी तो. वो तो एक्चुअली द थिंग इज द की मेरे को लग रहा है कि ये वीडियो में सेक्सी व्यूज आएंगे, तो इसलिए मैं बोल दिया ताकि मस्त जल्दी मेरा 5K हो जाए, वरना नहीं बोलता मैं. चलो अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय, सायोनारा.